करते। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलो, पिछली दो क्लासेस में हम लोग रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस वाला डिस्कशन कर रहे थे। आज वाली क्लास में भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में नेक्स्ट डिस्कशन जो हमें करना है, प्रिज्म के बारे में बात करनी है, ठीक है ना? हाँ बेटे, गुड आफ्टरनून। ठीक है, हम लोगों ने आज वाला डिस्कशन जो है काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सीबीएसई के अंदर। इसमें कुछ डेरिवेशन भी आते हैं हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी। न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो ध्यान से इसको आज वाली क्लास में फॉलो करना है तुम लोगों ने, ठीक है? तो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिज्म के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम लोगों को मैंने पास्ट में कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस भी करके दिखा रखे हैं प्रिज्म को यूज करते हुए। तो प्रिज्म जो है हमारे पास, ये ट्राइंगुलर शेप का ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी है ट्राइंगुलर शेप की, ठीक है ना? इसके ऊपर हम लोग एक लाइट रेस इंसिडेंट कराते हैं। लाइट रेस जा रही है एयर टू प्रिज्म। मान लो प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, तो एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, ठीक है? तो लाइट रेस जब इस प्रिज्म को क्रॉस करके बाहर आएंगी, तो अपने रास्ते में कितनी बार अपने पाथ से बेंड होंगी, कितनी बार रिफ्रैक्ट होंगी? अगर इस प्रिज्म के ऊपर मैं लाइट रेस भेजूँ और लाइट रेस प्रिज्म को क्रॉस करके बाहर से आती है, ठीक है, जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो दो बार उसका रास्ते में रिफ्रैक्शन होगा, एक बार लेफ्ट सरफेस पे, एक बार राइट सरफेस पे। और लाइट रेज जो है अपने एक्चुअल पाथ से कुछ एंगल से डेविएट हो जाती है। उस एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर हम लोगों को यहाँ मेजरली दिमाग लगाना होता है। तो सारी कहानी क्या है, मैं प्रिज्म की तुम्हें बताना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले तो जितना मैंने पास्ट में बताया हुआ है उसी को मैं रिवाइज करवाता हूँ। तो ये मेरे पास प्रिज्म है, इसके ऊपर मैंने लाइट रेज इंसिडेंट करा दी। एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ठीक है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रख दिया हम लोगों ने इसमें, I1, ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पे लाइट रेज आ रही है फ्रॉम एयर टू प्रिज्म, एयर टू से ग्लास प्रिज्म, रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट रेज विल शिफ्ट। किधर शिफ्ट होंगी लाइट रेज, ठीक है ना? एज लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट रेज आर गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल। पहले सर्फेस का नॉर्मल N1, लाइट रेज नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ठीक है? नेक्स्ट सरफेस पे लाइट रेस पहुंची, नेक्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस R2, ठीक है? नेक्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से दिखाना चाहिए, पर मैं यहाँ पे R से दिखा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ भी तुम्हें थोड़ी देर में मैं समझा दूंगा। कि अभी सेकेंड वाले सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस R2, अब की बार लाइट जा रही है ग्लास टू एयर, प्रिज्म टू एयर, डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट रेज विल शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल N2 से उसे अवे शिफ्ट कराओ, ठीक है? लाइट रेज रिफ्रैक्ट होके बाहर आएंगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I2, ठीक है ना? I1 तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 तुम्हारा एंगल ऑफ एमरजेंस है। डायग्राम में ध्यान से देखो, प्रिज्म के अंदर लाइट रे एंटर कर रही है I1 पे, बाहर एमर्ज हो रही है I2 पे। तो I1 हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 हमारा एंगल ऑफ एमरजेंस है, ठीक है ना? अब एंगल ऑफ एमरजेंस बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R से दिखाना चाहिए, पर मैं I से दिखा रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? तो देखो, मैं तुम्हें रियलाइज करवाता हूँ। अगर रास्ते में ये प्रिज्म नहीं आता, लाइट रेस के रास्ते में अगर ये प्रिज्म नहीं आता, तो लाइट रेस कैसे जाती? स्ट्रेट निकल जाती, ठीक है ना? जाना था स्ट्रेट, रास्ते में प्रिज्म आ गया, लाइट रेज अपने पाथ से डेविएट हो गई, ठीक है? ध्यान दो, जाना था ऐसे, चली गई ऐसे, अपने पाथ से कितने एंगल से डेविएट हो गई, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। नहीं, अंशुल ऐसा नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल मैंने बनाई भी नहीं है। अगर लग रही है तो फिर गलती से बन गई है मुझसे, ठीक है? लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? अभी डिस्कशन स्टार्ट किया है, मुझे पढ़ाने दे, आधे घंटे बाद तेरे डाउट डूट करेंगे, ठीक है? आधे घंटे मुझे पढ़ाने दे, सारी बातें पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद तेरे को डाउट रहने वाला ही नहीं है, अपने आप सारी बातें टच हो जाएंगी। खैर, अभी लाइट रेज को हमने इंसिडेंट करा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 पे, एंगल ऑफ एमरजेंस I2 है, लाइट रेज अपने पाथ से डेविएट हो जा रही है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है, डायग्राम समझ में आ रहा है? चलो, अभी इसी डायग्राम में दिमाग लगाओ। अगर मैं लाइट रे को, देखो मैं वैसे ही वर्बली समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइट रे को राइट से भेजता, एंगल ऑफ इंसिडेंस को I2 रखता,
इमेजिन कर सकते हो लाइट रेस को अगर मैं लेफ्ट से ना भेज के राइट से भेजता, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई टू रखता, तो लाइट रेस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू पे मैं लाइट रेस को इंसिडेंट करा दूं तो लाइट रेस बेंट होंगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आर टू। और ध्यान से देखो, राइट वाले सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर टू, तो लेफ्ट वाले सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आर वन हो जाएगा, और फिर लाइट रे तुम्हारी बाहर आ जाएंगी आई वन पे, आई वन हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अगर आई वन तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो आई टू तुम्हारा एंगल ऑफ इमरजेंस है, ऐसे अगर आई टू हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो आई वन हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। फिर से देखो, अगर लाइट रे आई टू पे आती और रास्ते में प्रिज्म नहीं आता तो लाइट रे को जाना कैसे था? ठीक है ना, जाना था ऐसे, चली गई ऐसे। ध्यान दो, ये हो गया ना एंगल ऑफ डेविएशन। आया डायग्राम समझ में? आया। आई वन पे एंटर करके आई टू पे बाहर आती तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, नोटिस करो आई टू पे एंटर करके आई वन पे बाहर आती तो भी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, दिख रहा है डायग्राम से? आई वन पे इंसिडेंट करा के आई टू पे इमर्ज करा रहे हो तो डेल्टा, और आई टू पे इंसिडेंट करा के आई वन पे इमर्ज करा रहे हो तो भी डेल्टा, सेम आ रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए तुम समझ में आ रहा है आई वन और आई टू में से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंस है, पर दोनों को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आई वन भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, आई टू भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है फॉर सेम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। बस आई वन पे एंटर कराओगे तो लाइट आई टू पे बाहर आएगी, आई टू पे एंटर कराओगे तो लाइट आई वन पे बाहर आएगी, इन बोथ द केसेस एंगल ऑफ डेविएशन इज गोइंग टू बी सेम। क्लियर हो गया? और ध्यान से देखो, प्रिज्म के जिन दो सरफेस पे लाइट रिफ्रैक्ट हुई है उन दो सरफेस के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जिन दो सरफेस पे लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है उन दो सरफेस के बीच के एंगल को हम क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। तुम देख रहे हो प्रिज्म के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन एंगल हैं। अगर तुम प्रिज्म को नोटिस करो तो प्रिज्म के ऊपर के वर्टिसेस तुम देखो तो एक नहीं, दो नहीं, इसमें तीन तीन एंगल हैं। ठीक है, अब तीन तीन एंगल हैं तो कौन सा एंगल ऑफ प्रिज्म है? तो ध्यान से देखो, तुमने देखना है क्वेश्चन के अंदर लाइट रेस किन दो सरफेस पर रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है ना, मान लो मैंने लाइट को ऐसे भेजा होता, लाइट पहले यहाँ पे बेंड होती, फिर यहाँ पे बेंड होती, बाहर आती। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला? सेकंड वाला। समझ में आ रहा है? जिन दो सरफेस पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है उन दो सरफेस के बीच का एंगल इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है ना, तो इन दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म, इन दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ऐसे अगर इन दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो गया तो ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। क्लियर हो गई एंगल ऑफ प्रिज्म की कहानी? समझ में आ गई? प्रिज्म के जिन दो सरफेस पे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है उन दो सरफेस के बीच का एंगल इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो चलो, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, इनके बीच में हमें कुछ रिलेशन डिराइव करने होते हैं, हमारे सीबीएसई में भी डिराइव करने को आते हैं। ठीक है ना, तो पहले मैं सबसे पहले उन्हीं को डिराइव करके तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। ये डायग्राम क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? नोट कर लिया सबने? खैर कोई नहीं, मैं यही डायग्राम वापस से बनाने जा रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके, ताकि तुमको मैं चीजों को समझा सकूं, रियलाइज करा सकूं। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ प्रिज्म, ताकि तुम्हें चीजों को समझाना मुझे आसान हो जाए। लाइट रे को हमने प्रिज्म पे भेज दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ये हमारा नॉर्मल है। लाइट रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन, अगले वाले सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आर टू, एंगल ऑफ इमरजेंस आई टू। ठीक है, फिर से प्रिज्म अगर रास्ते में नहीं आता तो लाइट रे जाती स्ट्रेट, जाना था ऐसे, चली गई ऐसे। ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन।
ठीक है, सारे एंगल्स बड़े बड़े बना के दिखा रहा हूँ, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि विजुलाइज करना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। चलो नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, एंगल सारे मार्क कर दिए, चलो कुछ रिलेशंस तुम्हारे सामने में डिराइव करना स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करो, देखो नोटिस करो, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ क्यू, ठीक है। लाइट रे को बैक एक्सटेंड करा के यहाँ पे मैंने मीट कराया, इसको मैं नाम दे देता हूँ आर। नॉर्मल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एस, ठीक है ना। पी क्यू आर एस कुछ तुम्हारे सामने पॉइंट्स मार्क कर दिए, और ये जो तुम्हारा वर्टेस है इसको मैं टी नाम दे देता हूँ। चलो सबसे पहले ध्यान से देखो, इन कोऑर्डिनेटल पी टी क्यू एस, पी टी क्यू एस, इस वाले पे दिमाग लगाओ। नोटिस करो ये एंगल कितना है, एंगल टी पी एस 90 डिग्री है ना नॉर्मल का। ऑब्वियसली नॉर्मल कितना एंगल बना रहा होगा प्रिज्म के सरफेस से, 90 डिग्री। ऐसे नॉर्मल एन टू भी कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। तो तुम्हारे सामने जो कोऑर्डिनेटर पी टी क्यू एस मैंने बना रखा है उसके दो एंगल तो हो गए 90, तीसरा एंगल हो गया ए। चौथे एंगल पे दिमाग लगाओ, चारों एंगल का सम कितना होगा, किसी भी कोऑर्डिनेटर के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा। ध्यान से देखो, दो एंगल 90 90 180, ठीक है, इन दोनों एंगल का सम 180, तो बाकी बचे दोनों एंगल का सम भी 180 होना चाहिए। नोटिस करो, ये एंगल तुम्हारा ए तो ये एंगल पाई माइनस, चला गया दिमाग, दिखाई दिया, समझ में आया सबको कैसे मार्क किया, समझ में आ रहा है। तो इन कोऑर्डिनेटल पी टी क्यू एस टी पी एस, एंगल टी पी एस 90 डिग्री, एंगल टी क्यू एस 90 डिग्री, ठीक है। तो चारों एंगल को अगर सम करूं मैं तो 90 प्लस 90 प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस इस एंगल को अगर मैं एंगल पी एस क्यू लिख दूं, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 360। तो हमारे पास एंगल पी एस क्यू किसके बराबर आ गया, 180 माइनस है। ठीक है, समझ में आ गया, पाई माइनस है आ गया। चलो अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू प्लस पाई माइनस है, तीनों एंगल का सम 180 पाई के बराबर होना चाहिए। पाई से पाई कैंसिल, प्रिज्म में काम आने वाला सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसको रट लो, इसको याद कर लो, पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन जो तुम्हारे प्रिज्म में काम आने वाला है, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए। किया, नोट किया सब लोगों ने, यहां तक फॉलो किया, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। प्रिज्म में सबसे ज्यादा काम में आने वाले दो रिलेशन सबसे ज्यादा काम आते हैं, इनमें से पहला आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए, दूसरा मैं तुम्हारे सामने निकालने जा रहा हूं। चलो दूसरे रिलेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो, बात करते हैं इन ट्राइंगल पी आर क्यू। चलो ट्राइंगल पी आर क्यू में तुम लोग मेरी हेल्प करते जाओ, मैं तुम्हारे सामने एंगल मार्क कर रहा हूं, तुम वो एंगल्स की वैल्यू बताते जाओ। ये वाला एंगल कितना है, एंगल आर पी क्यू कितना है, देखो डायग्राम को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है आई वन, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आई वन, ये एंगल आर वन, तो ये एंगल कितना बचा तुम्हारा आई वन माइनस आर वन, दिखाई दिया क्या, देख रहे हो, ये एंगल आई वन तो ये एंगल भी I1, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, I1 में से ये R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये रिमेनिंग एंगल तुम्हारे पास कितना आ गया, I1 माइनस R1 आ गया ना। चलो दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, ये एंगल
इन ट्राइंगल पी आर क्यू, आर क्यू पी वाला एंगल, एंगल आर क्यू पी किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल आई टू, ये एंगल आर टू, तो ये एंगल आई टू माइनस आर टू दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, और अब ध्यान से देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो डायग्राम से देख के बताओ किसके बराबर है। आ जाते हैं, बहुत बढ़िया। ये एंगल डेल्टा, तो ये एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा? पाई माइनस डेल्टा, दैट इज पाई माइनस एंगल ऑफ डेविएशन। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स निकाल के तीनों का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 पाई, ठीक है ना, 180 डिग्री, पाई रेडियन, पाई से पाई कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आ गया, आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। और अभी तो मैं थोड़ी देर पहले रियलाइज कराया मैंने, आर वन प्लस आर टू ए के बराबर है, आर वन प्लस आर टू को ए से रिप्लेस कर दो, तो आई वन प्लस आई टू माइनस ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो प्रिज्म में सबसे ज्यादा काम आने वाले, प्रिज्म के क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज्यादा काम में आने वाले दो रिलेशन, I1 प्लस I2 माइनस A इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, दोनों को रट लो, पूरी क्लास में काम आने वाले हैं, बार 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 पचासों बार काम आने वाले हैं, दोनों को अभी के अभी याद करो। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, I1 प्लस I2 माइनस A इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। नोट किया सबने? और ये सीबीएसई में आने वाला हमारा डेरिवेशन भी है, सीबीएसई में 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का ये डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है ना। इक्वेशन लिख के दे देंगे तुम्हें, प्रिज्म के अंदर ये इक्वेशन डिराइव करके दिखाओ, आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए डिराइव करके दिखाओ, आई वन प्लस आई टू माइनस ए इक्वल टू डेल्टा डिराइव करके दिखाओ, तो ये डेरिवेशन तुमने करके दिखाना है। ऑब्वियसली थोड़ी सी और लैंग्वेज के साथ, जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ तुम्हें सब कुछ लिख लिख के, जैसे एंगल आई वन माइनस आर वन, आई टू माइनस आर टू, पाई माइनस डेल्टा, मैंने एक ही लाइन में लिख दी है, स्कूल में तुम 3 लाइन बनाओगे, ठीक है ना। एंगल आर पी क्यू आई वन माइनस आर वन, एंगल आर क्यू पी आई टू माइनस आर टू, एंगल पी आर क्यू पाई माइनस डेल्टा, फिर सम ऑफ थ्री एंगल्स, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री, पाई रेडियन, फिर उसके बाद ये इक्वेशन। तो समझ में आ रहा है जो मैं तुम्हारे सामने एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, स्कूल में तुम लिखने बैठोगे तो ये 4-5 लाइन का काम हो जाएगा, ठीक है। खैर संभाल लोगे स्कूल में तुम लोग, अभी काम की बात, ये सारी कैलकुलेशन तो मैंने फॉलो अप करा दी है, और ध्यान से देख लो ये दो इक्वेशन जो फाइनली हम लोगों ने निकाली है, आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए और आई वन प्लस आई टू माइनस ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे अभी प्रिज्म में हम लोग डिराइव करने वाले हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, ठीक है ना। आगे कुछ हम और रिलेशन भी तुम्हारे सामने मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, वो रिलेशन कभी काम आएंगे कभी नहीं आएंगे, पर ये दोनों इक्वेशन हमेशा एप्लीकेबल रहने वाली है हर प्रिज्म के क्वेश्चन के अंदर, कोई भी प्रिज्म का न्यूमेरिकल आ जाए ये दो इक्वेशन कभी फेल नहीं हो सकती, जहां पे भी इनको यूज कर सकते हो हम यूज करेंगे, ठीक है। कर लिया, नोट कर लिया, जनरल इक्वेशन है प्रिज्म के लिए, ठीक है, दोनों को अच्छे से याद रखना। चलो अब तुम्हारे सामने जो मैंने ये रिलेशंस डिराइव करके दिखा दिए, इन रिलेशन को मैं तुम्हारे सामने यूज करूंगा, और कोई भी प्रिज्म है उसके ऊपर हमने लाइट रेस इंसिडेंट करा दी, प्रिज्म को लाइट रेस क्रॉस करके बाहर आ रही है, कितने एंगल से अपने पाथ से डेविएट हो जा रही है, वो एंगल ऑफ डेविएशन ही हमारा मेजर कंसर्न होता है। तो ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे सामने एक डिस्कशन करके दिखा रहा हूँ, हमारे पास एक कोई प्रिज्म है, प्रिज्म का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, प्रिज्म जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, किसी भी प्लास्टिक का बना हुआ है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, लाइट रेस को हमने कितने एंगल पे इंसिडेंट कराया, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया। तुम्हारे पास कोई प्रिज्म है, ठीक है ना, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया, प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म बता दिया, और उस पर लाइट रेस कितने एंगल पे इंसिडेंट करी है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया। अब तुमसे कहते हैं ये लाइट रेस जब प्रिज्म को क्रॉस करके राइट हैंड साइड से बाहर आएंगी तो ये अपने पाथ से कितने एंगल से डेविएट हो जाएंगी, वो एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हें निकालना,
ठीक है, स्टार्ट हो जाएं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? प्रिज्म के बारे में बता दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट रेस कितने एंगल पे इंसिडेंट कराई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया, प्रिज्म को क्रॉस करके जब लाइट अपने जो भी पाथ फॉलो करके प्रिज्म से बाहर आएंगे, कितने अपने पाथ से कितने एंगल से डेविएट हो जाएंगी, दैट एंगल ऑफ डेविएशन वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ध्यान दो, लाइट रेज आई लेफ्ट सरफेस पे, लेफ्ट सरफेस पे लाइट रेज आई एयर टू प्रिज्म, कहाँ मूव कर रही है, दे आर मूविंग फ्रॉम एयर टू प्रिज्म, लाइट रेज अपने पाथ से बेंट हो जाएंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन। निकालने के लिए मैं अप्लाई करता हूँ स्नेल्स लॉ, क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, स्नेल्स लॉ। तो वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर वन, पहले वाले सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर वन से मार्क कर रहे थे ना इतनी देर से, तो वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें क्वेश्चन में आई वन दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का बता रखा है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके आर वन ढूंढ लोगे, आर वन आ गया हमारे पास। आर वन ढूंढने के बाद स्टेप टू, हमें रिलेशन पता है आर वन और आर टू में, आर वन प्लस आर टू ए के बराबर होता है, आर वन तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो स्नेल्स लॉ से, आर वन की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, आर वन की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आर टू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, राइट सरफेस पे लाइट रेस कितने एंगल पे इंसिडेंट होने वाली है, आर टू आ गया, आर टू आ गया, अब वापस से स्नेल्स लॉ लगा दो, आई टू मिल जाएगा। स्टेप थ्री, राइट वाले सरफेस पे आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आर टू मिल जाने के बाद, मैं वापस से यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, म्यू इंटू साइन आर टू, लेफ्ट हैंड साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंगल नॉर्मल के साथ आर टू, तो म्यू इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का वन, एंगल ऑफ एमरजेंस आई टू, अगेन आर टू हम निकाल चुके हैं, म्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, आर टू और म्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आई टू निकाल लोगे, और एक बार आई टू आ गया, अब एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन अभी तुम्हें पढ़ाया किसके बराबर होता है, आई वन प्लस आई टू माइनस ए, मैं नोटिस करो आई वन और ए तो क्वेश्चन में पहले से ही प्रोवाइडेड थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन और प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म ए तो हमें क्वेश्चन में पहले ही प्रोवाइडेड थे, मेहनत करके हम लोगों ने आई टू निकाल ही लिया है, आई टू फाइंड आउट कर ही लिया है, आई टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते ही एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, चारों स्टेप क्लियर हो गए। तो लाइट रे जब प्रिज्म को क्रॉस करके बाहर आएंगी तो अपने पाथ से कितने एंगल से डेविएट हो जाएंगी, वो एंगल ऑफ डेविएशन हमने निकालना था, ये स्टेप्स तुम्हें बता दिए, फॉलो करोगे एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लिया सबने, चारों स्टेप नोट कर लिए, बढ़ जाओ आगे। चलो मेरी बात समझो, हमारे एनसीईआरटी में प्रिज्म के ऊपर लाइट रेज हमने इंसिडेंट करा दी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, और लाइट रेज अपने पाथ से डेविएट होके बाहर आ रही है, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में एक ग्राफ बना के देखा रखा है, इस तरह से कुछ ग्राफ बना के दिखा रखा है, ग्राफ कैसे आया कहाँ से आया कुछ नहीं बता रखा है, बस ग्राफ बना के दिखा रखा है एनसीईआरटी में, ये ग्राफ होता है एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, तो ये ग्राफ इन्होंने कैसे प्लॉट किया होगा उसी की कहानी तुम्हें समझा रहा था इतनी देर से, ठीक है ना, एनसीईआरटी में ग्राफ दे दिया कहाँ से आया इसकी कैलकुलेशन क्या है कुछ नहीं बता रखी, पर क्या कैलकुलेशन इन्होंने की होगी तुम्हें मैं रियलाइज करवा चुका हूँ, तुम्हारे पास प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए पता है, लाइट रेस तुम अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भेजते जा रहे हो, कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, कभी 40 डिग्री, कभी 50 डिग्री, कभी 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस की अलग अलग वैल्यू यूज करते जाओ, और तुम्हें जो मैंने चार स्टेप की कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई उसको यूज करके एंगल ऑफ डेविएशन निकालते जाओ,
और एंगल ऑफ इंसिडेंस की अलग अलग वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एंगल ऑफ डिविएशन आ रहा है, वो वाले पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर दिए और उनको ज्वाइन करके ग्राफ प्लॉट कर दिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ग्राफ दे रखा है पर कैसे आया होगा, उसकी कैलकुलेशन क्या करी होगी, वो कैलकुलेशन तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसी को यूज करके इन लोगों ने एंगल ऑफ डिविएशन वर्सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ ट्रेस किया होगा। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ रहा है, बढ़ू आगे। कह रहा भी तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखो, तो इस ग्राफ में जो इम्पोर्टेंट बात तुम्हें मैं रियलाइज करवाने जा रहा हूँ उसको नोटिस करो। तुम नोटिस करो तो हर एंगल ऑफ डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हर एंगल ऑफ डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एक को मैं I1 बोल दूं, दूसरे को मैं I2 बोल दूं, आप समझ में आ रहा है डायग्राम की कहानी। तीर से क्यों मैं I1 I2 मार्क कर रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी I से और एंगल ऑफ एमरजेंस को जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था बेसिकली उसको R से दिखाना चाहिए था, पर उसको भी हम I से दिखा रहे थे। तो क्यों दिखा रहे थे, अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने रियलाइज कराया कि लाइट रेज को अगर तुमने प्रिज्म पे I1 पे भेजा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ एमरजेंस I2, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 और एंगल ऑफ एमरजेंस I1 पे भी सेम होगा। याद है भी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था तुम लोगों को मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 पे लाइट भेजी I2 पे बाहर आई, और एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 पे लाइट भेजी I1 पे बाहर आई, दोनों ही केस में एंगल ऑफ डेविएशन सेम मिलने वाला है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है सबको, रिस्पॉन्ड करते रहो, सो गए सारे के सारे। ठीक है, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे मैं तुम्हें यूज करके दिखा रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है तो एंगल ऑफ एमरजेंस I2, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 तो एंगल ऑफ एमरजेंस I1, इन बोथ द केसेस एंगल ऑफ डेविएशन इज गोइंग टू बी सेम। तो हर एंगल ऑफ डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों आ रहे हैं, सबको विजुलाइज हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो, I1 हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो I2 हमारा एंगल ऑफ एमरजेंस है, और अगर I2 हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो I1 हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस है। ठीक है, और दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ डेविएशन इज गोइंग टू रिमेन सेम। और अभी तुम ग्राफ में और थोड़ा ध्यान से देखो, तो प्रिज्म की वजह से आने वाला मिनिमम डेविएशन, लाइट रेस प्रिज्म को क्रॉस करते हुए मिनिमम डेविएट हो रही है, तो मिनिमम डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्राफ में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ही है। तो बताओ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ एमरजेंस है। ठीक है, तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यही एंगल ऑफ एमरजेंस है, I1 और I2 दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस मिनिमम डेविएशन वाले केस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसके लिए सारी कहानी बताई उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मिनिमम डेविएशन प्रिज्म के वजह से लाइट में आने वाला मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म में रिलेशन डिराइव करके दिखाओ। ठीक है, अगेन डेरिवेशन करके दिखाओ, CBSE में हमारे 2 मार्क का क्वेश्चन और कॉम्पिटिशन में काम आने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो उस रिजल्ट को मैं तुम्हें डिराइव करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, हमारे NCERT में लिखा हुआ है, व्हेन लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म अंडरगो मिनिमम डेविएशन देन व्हाइल क्रॉसिंग द प्रिज्म लाइट रेज आर पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, जब लाइट रेज में मिनिमम पॉसिबल डेविएशन आने वाला है प्रिज्म की वजह से, लाइट रेज पासिंग थ्रू द प्रिज्म आर पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, बेस के पैरेलल हमेशा नहीं होंगी, सिर्फ तभी होगी इफ लाइट रेज आर गोइंग टू सफर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन के समय लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म आर गोइंग टू बी पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, ये बात आई कहां से, तो देखो रियलाइज करो फिर से डायग्राम को, ये हमारे पास प्रिज्म था, अभी तो मैंने रियलाइज कराया ग्राफ से कि जब लाइट रेस में मिनिमम डेविएशन आएगा
तो लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस दोनों बराबर हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन और एंगल ऑफ एमर्जेंस आई टू दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, स्नेल्स लॉ से वन इंटू साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर वन, राइट सरफेस पे वन इंटू साइन आई टू इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर टू। जब आई वन और आई टू बराबर हो चुके हैं तो आर वन और आर टू भी बराबर हो जाएंगे, और आर वन और आर टू बराबर हो जाएंगे तो तुम खुद डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हो, लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज गोइंग टू बी पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, खैर ये डेरिवेशन हमारे सीबीएसई में आता है। डेरिवेशन को हम स्टार्ट कैसे करते हैं? इफ लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म अंडरगो मिनिमम डेविएशन, देन व्हाइल क्रॉसिंग द प्रिज्म रेज आर गोइंग टू बी पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, और उसके बाद रेज आर पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, इसलिए आई वन इक्वल टू आई टू, आर वन इक्वल टू आर टू। ठीक है ना, डेरिवेशन स्टार्ट करते समय तुम्हारी पहली लाइन ही यही होती है हमारे स्कूल में, जब ये डेरिवेशन आएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म में रिलेशन डिराइव करके दिखाओ। तो तुम्हारा सबसे पहला कंडीशन ही यहाँ पे लिखनी है कि वाइल क्रॉसिंग द प्रिज्म इफ लाइट रेज आर सफरिंग मिनिमम डेविएशन, देन वाइल क्रॉसिंग द प्रिज्म दे आर गोइंग टू बी रेज आर गोइंग टू बी पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। ये स्टेटमेंट लिखनी होती है। स्टेटमेंट लिखने के बाद तुम्हें लिखना होता है I1 इक्वल टू I2, R1 इक्वल टू R2। चलो अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले जो दो मैंने इक्वेशन डिराइव करके दिखाई थी उन पे दिमाग लगाओ। पहला रिलेशन जो हमने डिराइव किया था R1 प्लस R2 इक्वल टू A। तो चलो ध्यान से देखो, R1 R2 इक्वल हो गए हैं, दोनों की वैल्यू में R मान लेता हूं। R1 मिनिमम डेविएशन के केस में R1 और R2 दोनों इक्वल हो गए होंगे, दोनों की वैल्यू मैंने R मान ली। तो R1 प्लस R2 2R इज इक्वल टू A, R इज इक्वल टू A बाय 2। R इज इक्वल टू ए बाई टू, ठीक है ना। ऐसे सेकेंड रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, I1 वन प्लस आई टू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, I1 वन प्लस आई टू माइनस ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। तो I1 वन प्लस आई टू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। फिर से एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन I1 और I2 बराबर हो गए होंगे, दोनों की वैल्यू में I मान लेता हूँ। तो I1 को भी I डाल दो, I2 को भी I डाल दो, I प्लस आई टू आई, 2i is equal to a plus delta, तो i is equal to a plus delta by 2। ठीक है, तो r1 r2 बराबर a by 2 a by 2, i1 i2 बराबर a plus delta by 2 a plus delta by 2। r और i derive हो गए, r और i की value आ गई। अब prism के left surface या right surface किसी भी एक surface पे Snell's law लगा दो, दोनों से equation same ही बनने वाली है। i1 i2 बराबर है, r1 r2 बराबर है, तो चाहे लेफ्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा लो, चाहे राइट सरफेस पे लगा लो। तो चलो मैं लेफ्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देता हूं। लेफ्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाता हूं, तो वन इंटू साइन आई वन में आई वन की वैल्यू अभी हमने निकाली ए प्लस डेल्टा बाय टू इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर वन, म्यू इंटू साइन आर वन में R1 की वैल्यू अभी हमने निकाली A by 2। बस कहानी खत्म। रिलेशन डिराइव, म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा बाय 2 अपॉन साइन A बाय 2। ठीक है, दिखने में थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, पर दो चार पांच बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा बाय 2 अपॉन साइन A बाय 2। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन। क्या डिराइव कर दिया हमने? रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया, सबको समझ में आया, नोट किया? ठीक है, डेरिवेशन है, टू मार्क्स का डेरिवेशन या थ्री मार्क्स का डेरिवेशन हमारे सीबीएसई में आएगा, इसको इस तरीके से तुम्हें करके दिखाना है। ठीक है, डन है। कर लिया, नोट कर लिया सबने?
चलो ये तो सीबीएसई की किताबों में हमारी एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है, तो मैंने उस तरीके से डिस्कस करके दिखाया। अभी इसके अंदर कुछ डिटेलिंग में प्रॉब्लम है, वो डिटेलिंग में क्या प्रॉब्लम है मैं वो तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो ध्यान से देखो, लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन वाले केस में लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म शुड बी पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। ये बात पहले आई हमारे डिस्कशन में या I1 I2 बराबर R1 R2 बराबर, ये बात पहले आई? I1 और I2 equal, R1 और R2 equal, ये बात पहले आई या लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म शुड बी पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, ये बात पहले आई? ठीक है ना, तो I1 equal to I2 ये चीज हम लोगों ने पहले बताई। I1 I2 बराबर होगा, हमने ग्राफ से इंटरप्रेट किया था। कहाँ से इंटरप्रेट किया था हम लोगों ने? ग्राफ को एनालाइज किया मिनिमम डेविएशन वाले केस के। हम देख रहे थे I1 और I2 दोनों इक्वल हो गए थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमरजेंस दोनों इक्वल हो गए थे मिनिमम डेविएशन वाले पॉइंट पे, तो I1 I2 बराबर। और जब I1 I2 बराबर तो बाय स्नेल्स लॉ R1 R2 बराबर, और अब R1 R2 बराबर है तो लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म शुड बी पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी बाद में आई है, और ध्यान से देखो रियलाइज करो, ये तभी वैलिड है जब तुम्हारा प्रिज्म आइसोसेलेस हो। ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये तभी वैलिड है जब तुम्हारा प्रिज्म आइसोसेलेस हो। समझ में आ रही मेरी बात? अगर मान के देखो तुम्हारा प्रिज्म ऐसा होता, प्रिज्म ऐसा भी तो हो सकता है। देखो प्रिज्म ऐसा बना दिया, दिख रहा है रेड कलर से? और ध्यान दो, इस प्रिज्म को लाइट रे क्रॉस करके आ रही है इन दो सरफेस पे रिफ्रैक्ट होते हुए। जिन दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उन दो सरफेस के बीच का एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और लाइट रेज में मिनिमम डेविएशन आया उसके लिए ग्राफ से हमने इंटरप्रेट किया I1 और I2 बराबर। I1 I2 बराबर तो बाय स्नेल्स लॉ R1 R2 बराबर, और R1 R2 बराबर करने के बाद देख लो तुम्हारी जो लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म है वो बेस के पैरेलल नहीं है। तो लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म शुड बी पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म तभी वैलिड है जब प्रिज्म तुम्हारा आइसोसेलेस हो। ठीक है, हमारे सीबीएसई वालों का प्रिज्म हमेशा आइसोसेलेस होता है, इसलिए उनके लिए ये कहानी सही है। पर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमसे आइसोसेलेस प्रिज्म नहीं, किसी भी शेप का प्रिज्म हमें मिल सकता है, तो हम जनरल बात करेंगे। तो लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म अंडरगो मिनिमम डेविएशन की बेसिक कंडीशन, लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म शुड बी पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, ये स्टेटमेंट नहीं है। I1 I2 बराबर R1 R2 बराबर, ये बेसिक कंडीशन है। ठीक है, तो पहला डिस्कशन हमारा ये आया था, सेकंड डिस्कशन हमारा ये आया। तो सेकंड डिस्कशन जो है उसमें जो स्टेटमेंट आई है वो जनरल स्टेटमेंट नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी वैलिड ओनली फॉर आइसोसेलेस प्रिज्म। ठीक है ना, ये पास्ट ईयर एम्स में भी आया हुआ है, एम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना हमारे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, या फिर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। ठीक है, उस तरीके से चार ऑप्शन बना के दे देते हैं ना, तो उस तरीके से भी ये क्वेश्चन पास्ट में आया हुआ है। इफ लाइट रेज आर अंडरगोइंग मिनिमम डेविएशन देन वाइल क्रॉसिंग द प्रिज्म दे आर गोइंग टू बी पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, एक स्टेटमेंट ये दे रखी थी, दूसरी कुछ और दे रखी थी, तो मैक्सिमम लोग ये स्टेटमेंट 1 को ट्रू करके आ गए और नंबर कटवा के आ गए, स्टेटमेंट 1 गलत थी। लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म अंडरगोइंग मिनिमम डेविएशन देन रे शुड बी पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म ओनली व्हेन प्रिज्म इज आइसोसेलेस। ठीक है ना, जनरल स्टेटमेंट नहीं है ये, हमेशा वैलिड नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? और दूसरी बात तुम ध्यान से देखो, अब तुम्हारे सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है ना, दिखने में बड़ा बड़ा लिख रहा है, तुमने कॉपी में लिखा होगा तो भी इसने काफी जगह ले ली होगी। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, बड़ा सा फॉर्मूला है, लोग इसको याद करते हैं, उनको लगता है हमने इतना बड़ा फॉर्मूला याद कर लिया है तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है, जब इतना बड़ा फॉर्मूला याद कर लिया है तो जिंदगी में हर जगह इसी को यूज करेंगे। ठीक है ना, ध्यान देना, हर जगह मत यूज करने बैठ जाना। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। चला दिमाग चला क्वेश्चन में, अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात चल रही होगी ना तभी ये रिलेशन तुम्हारे काम आएगा। इसमें जो डेल्टा आ रहा है वो जनरल एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है, वो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। इस फॉर्मूले के अंदर, रिलेशन के अंदर जो डेल्टा आ रहा है वो जनरल एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, नोट कर ली सबने बातें मेरी? ठीक है, ये स्टेटमेंट
इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई में हर जगह एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है, पर ध्यान देना है, तभी वैलिड है प्रिज्म आइसोसेलेस है। और ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ है इसमें डेल्टा आ रहा है, डेल्टा जनरल एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है।